हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यहाँ जो कोफ्ते की रेसिपी लेकर आए हैं, बेहद मज़ेदार, यकीन मानो आपने इस तरह से बनाकर अभी तक नहीं खाएंगे, या आप जिसको भी इस तरह से ये कोफ्ते बनाकर खिलाएंगे बिना तारीफ किए नहीं रह पाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक जो हम इसमें मसाला बनाकर डालेंगे ना, उससे इन कोफ्तों का टेस्ट डबल हो जाएगा, दो गुना बढ़ जाएगा। जी हाँ, चलिए इसको बनाते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ 500 ग्राम कीमा लिया है, बारीक पिसा हुआ, जिसको अच्छे से धुल लिया है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कीमे में। और यहाँ जो हम मसाला बनाने वाले हैं, उसको बनाने के लिए आधे छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर लिया, आधे छोटी चम्मच खसखस लिए है, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, भाई नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेगा, दो लाल साबुत मिर्च लिए, बाकी आगे हम हरी मिर्च का भी यूज़ करेंगे, और साथ में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया लिया है, थोड़े से एक खिले हुए चने लिए हैं, यानी बिना छिलकी के चने। अब इसको हमें पीस लेना है, एक पाउडर बनाकर तैयार करना है। भाई ये वही पाउडर है जिससे आपके कोफ्ते बड़े ज़बरदस्त टेस्टी बनेंगे। तो ये हमने बना लिया है, कीमा बारीक पिसा हुआ धुल कर पहले से ही तैयार है। अब हमने ये मसाला इसमें डालना है, साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भाई भर भर के डालो, मतलब ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालो, कम तीखा पसंद है तो कम डाल दो। बाकी यहाँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, आप चाहें तो थोड़ा बहुत बारीक काट के प्याज भी डाल सकते हो, हमें यहाँ प्याज ऐड नहीं किया है। बस सबको अच्छे से मिक्स करना है, कोफ्तों का शेप देना है, आप चाहो तो कैसे भी दे सकते हो, लेकिन कोफ्ते तो भाई कोफ्ते हैं, इसको गोल इस तरह से बॉल जैसा शेप दिया जाता है। अब यहाँ एक कढ़ाई में हमने एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म किया, आधा छोटे चम्मच जीरा डाला है, और यहाँ हमने लिए हैं दो मीडियम साइज के प्याज जिसको बारीक पीस लिया था। भाई अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये पिसा हुआ प्याज हमने डाल दिया है, जब जीरा चटक जाए तब प्याज डालना है, और प्याज के साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, अगर आप चाहें तो प्याज के साथ में ही लहसुन अदरक पीस सकते हैं। और यहाँ पे प्याज डाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, और एक छोटा चम्मच ही हमने यहाँ नमक डाला है, बाकी आप आगे चेक कर लेगा कि आपको नमक कम या ज़्यादा लग रहा है। साथ में एक छोटा चम्मच नमक डाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और एक छोटा चम्मच लहसुन, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट डाल के मसाले को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भून लेना है, पूरी तरह से चटका देना है मसाले को जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ में मसाला काफ़ी अच्छे से भून गया था, हमने यहाँ पर आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया, और एक उबाल आने के बाद यह जो कोफ्ते बनाकर तैयार किए थे वो हम इसमें डाल देंगे एक एक करके। कोफ्ते डालने के बाद यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है इसको करीब 8 से 10 मिनट के लिए, और बाद में इसको लो फ्लेम पे हमें कुक करना है जब तक कि आपको जितना इसमें मसाला चाहिए, जिस तरह से ग्रेवी चाहिए, उस स्टेज तक ये नहीं आ जाता। बस मज़ेदार से कोफ्ते हमारे बनकर तैयार है, ऊपर से हमने बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है। खाइए, अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।